इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। और यस, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर फारडे सेकेंड लॉ लगना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हो फारडे सेकेंड लॉ कैसे इसमें यूज कर दें? यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटाई दीजिए अभी और थोड़ा जगह ही खर्च बढ़ गया हम लोग का। क्या आपको याद है फारडे सेकेंड लॉ क्या था? फारडे सेकेंड लॉ हम लोग पढ़े थे, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू आई टी बाई एफ, जहां पर आई इलेक्ट्रोकेमिकल से सबके लिए आई कांस्टेंट है, सब में सेम करंट जा रहा है, टाइम सबको सेम टाइम पर रिएक्शन कराया जा रहा है, एफ तो हमेशा कांस्टेंट, इट मींस डब्ल्यू बाई ई का वैल्यू कांस्टेंट है, और ये अगर कांस्टेंट है तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू ई लिख सकते हैं, ये यहां चल जाएगा, कांस्टेंट ई को हटा देंगे तो ई यहां है, प्रोपोर्शनल लाइन लग जाएगा डब्ल्यू प्रोपोर्शनल ई, इसका मतलब जो भी सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका इक्विवेलेंट मास कितना है, जिनका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा उनका डिपोजिशन, उस एलिमेंट का डिपोजिशन ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेल बी में 1.5 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया कैथोड बी पर, कैथोड पर सेल बी में सिल्वर डिपॉजिटेड मास सिल्वर का एजी का 1.45 ग्राम, और अगर डिपॉजिट मास हमको पता है इसका, तो इसका डिपॉजिट मास जिंक कितना डिपॉजिट हो यह पता करना है, जिंक क्या होगा, जिंक जाके जेरेन टू प्लस जाके कहीं जाके चिपक जाएगा, तो जिंक का कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, या जिंक मान इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो जिंक कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करके कितना मास रिएक्ट कर गया वो मास हमको पता करना है। और कॉपर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कितना मास गेन किया, कितना मास रिएक्ट किया, कितना मास लॉस किया या कितना मास गेन किया, ये आपको पता करना है। तो यहां और यहां दो चीजें पता करना है, दूसरा हम इसका इक्विवेलेंट मास पता करेंगे पहले जिंक का, फिर इक्विवेलेंट मास हम पता करेंगे सिल्वर का, और फिर इक्विवेलेंट मास पता करेंगे हम किसका, कॉपर का। और अगर आपको याद आ जाए, अगर दो सेल है W प्रोपोर्शनल टू E है, इसका मतलब W1 by E1 का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो W2 by E2 का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो सेल 1 के लिए फॉर सेल 1 और फिर सेल 2, इसका मतलब W1 by E1 का वैल्यू बराबर होगा W2 by E2 के, बात समझ में आ गया करें। और तीन सेल है तो W3 by E3 ये भी सेम होगा। तो कहने का मतलब है हर एलिमेंट का डिपॉजिट मास और उसका इक्विवेलेंट मास का रेशियो कांस्टेंट होगा, चाहे सेल वन हो चाहे सेल टू सेल थ्री हो, अगर सेल कनेक्टेड है सीरीज में तो, सेल आपस में अलग अलग, ये सेल अलग ये सेल अलग है, तब ऐसा नहीं होगा। अब इस चीज को हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम सबसे पहले पता करते हैं इलेक्ट्रॉन इसका जिंक का हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास निकालने का क्या तरीका, मोलर मास बाय वैलेंसी, तो जिंक का वैलेंसी क्या है, मोलर मास जिंक का 65, वैलेंसी कितना 2, इक्विवेलेंट मास निकल गया। इक्विवेलेंट मास सिल्वर का निकालना है, सिल्वर यहां क्या चार्ज पे, प्लस वन चार्ज पे, सिल्वर का मोलर मास बाय वैलेंसी, तो सिल्वर का मोलर मास 108, वैलेंसी कितना है 1, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास निकल गया। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कैसे निकलेगा, कॉपर का मास बाय कॉपर का वैलेंसी, तो कॉपर यहां प्लस 2 चार्ज पे है, कॉपर का मास हो गया 63.5, वैलेंसी हो गया 2। अब एक चीज, पहला तो ये कह रहा है कि रिएक्शन के अंदर की लोग, ये भी क्वेश्चन एक तरह का, आई थिंक हाउ लॉन्ग डिड द रिएक्शन फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, ये कितना देर तक ये करंट फ्लो होगा, अगर इस तरह का रिएक्शन हम इतना करंट पास करवाएं और इतना मास डिपॉजिट हो जा रहा है, तो बताइए कितने देर के लिए रिएक्शन हो रहा है, टाइम पता करिए। टाइम पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पता करते हैं, एक क्वेश्चन आइए कौन सा, W by E is equals to IT by F, W by E is equals to IT by F, देखिए W क्या सिल्वर का दिया हुआ है, तो सिल्वर वाला W, इक्विवेलेंट मास क्या सिल्वर का पता है, तो सिल्वर वाला इक्विवेलेंट मास, IT by F किसी से निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इसका W नहीं पता है। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, W कितना दिया हुआ है 1.45, इक्विवेलेंट मास कितना आया 108 by 1, 108 by 1 means
1080 और I का वैल्यू है 1.5, टाइम नहीं पता है, ये हो गया 96500 पूरा। इससे अगर आपको लग रहा है कोई सॉल्व हो तो टाइम का वैल्यू देखिए क्या आने वाला है, ये यहां भेज दीजिए 1.45 इंटू 96500 डिवाइड बाई नीचे 108 है, यहां मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया 1.5, पॉइंट हटाएं ऊपर आ गया 10, पॉइंट हटाएं नीचे आ गया 100, ये जीरो कैंसिल। तो ये कितना बचा, ये बचा 1.5 से 15 हो गया, तो 5 से तो कैंसिल हो ही जा रहा है, 5 से 3 टाइम्स में, अब 5 से ये 193 टाइम्स में, फिर 3 से ये कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, फाइनली इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए आंसर आ जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है, 145 इंटू 193 इंटू 10 डिवाइड बाई 324 इतना सेकेंड टाइम का वैल्यू हम लोगों का निकल गया। आगे फिर निकालते हैं इसको, हाँ तो ये टाइम इतना सेकेंड आया, इस सेकेंड को आप 60 से डिवाइड कर दे मिनट आ जाएगा तो 14.4 मिनट्स आ रहा है। अब ये चीज कहते हैं जिंक पर, देखिए क्या हम इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं, W1 by E1 है तो क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं हम W of silver by E of silver is equals to W of zinc, या zinc वाले इधर रख लीजिए कैलकुलेशन और आसान रहेगा, W of zinc by E of zinc and W of silver by E of silver, ऐसा भी तो कह सकते हैं। W1 by W2 means cell 1 cell 2 का है, या cell A और cell B में जिंक है और सिल्वर है, ये रेशियो हो गया। आगे जाके हम कॉपर वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉपर वाला भी नहीं लगाएंगे, पहले हम जिंक वाला लगा रहे ताकि जिंक निकल जाए, जिंक का मास नहीं पता है, जिंक का मास ऐसे रहने देंगे। नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, ये कितना है 65/2, इसका कितना वैल्यू 1.45, इसका वैल्यू कितना है 108, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक डिपोजिटेड, ये पूरा चीज डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई मिला गया 1.45 by 108 into 65/2, इन सबको इनटू सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा कितना है 1.45 into 65 डिवाइड बाय 216 0.436। तो मास ऑफ जिंक डिपॉजिट है 0.436 ग्राम, काफी कम मास डिपॉजिट हुआ। उसी तरीके से यहां पर हम जो जगह बच रहा है इसमें हम कॉपर का भी निकाल देते हैं, यहीं पे सेम चीज कॉपर का कर लीजिए, और कॉपर का करने के लिए रेशियो लगाइए कॉपर का और जिंक का, या कॉपर का और सिल्वर का, आप कोई सा भी रेशियो लगाइए आ जाएगा। ये एक निकला हम लोगों का जिंक का, वैसे कॉपर का निकालते हैं, मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, तो सिल्वर से निकालिएगा कि जिंक से निकालिएगा, दोनों से निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सिल्वर से निकाल रहे हैं, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, यहां पे हम लिख देते हैं मास ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, एक ही बात होता तीन सेल है सब बराबर होगा, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड 1.45, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर 108, मास ऑफ कॉपर नहीं पता, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर 63.5/2, तो मास ऑफ कॉपर आ जाएगा 1.45 डिवाइड बाय 108, ये पूरा डिवाइड में है चला गया, हमारा जाएगा मल्टीप्लाई में 63.5/2, इसको अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो जो भी कुछ मास आएगा वो मास किसका होगा 1.45 इंटू 63.5 डिवाइड बाय 216 0.426। इस तरीके से मास ऑफ कॉपर जो आ गया 0.426 ग्राम। तो
ये क्वेश्चन इस तरीके से बना और हम लोग काफी एंड तक पहुंच गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है जो उसको हम देखेंगे आगे। प्लीज नोटिस।